कानपुर देहात जिले में मैग्नेटिक चेक बोर्ड की सप्लाई में करोड़ों के घोटाले के बाद शिक्षा विभाग के स्वेटर सप्लाई में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 2 महीने पहले स्कूलों में छात्रों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर बांटे गए थे, लेकिन स्वेटर 2 महीने में ही फटने लगे हैं। स्वेटर फटने के मामले में अब घोटाला नजर आने लगा है। आखिर किस क्वालिटी का स्वेटर बांटा गया है जो इतनी जल्दी फट गया? वहीं 2 महीने में स्वेटर के फटने के मामले में अधिकारियों के कमीशन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जब पूरे मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो महोदय ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, पर क्या वजह है ये फिलहाल खुल के सामने नहीं आया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ कि जिस तरीके से बच्चों ने स्वेटर पहन रखा है वो कई जगह से फटते हुए स्वेटर जो है वो नजर आ रहे हैं, और 2 महीने के अंदर ही ये जो स्वेटर है वो फटने लगे हैं। शिक्षा विभाग में करोड़ों का स्वेटर घोटाला जो है वो सामने आया है। वहीं घटिया क्वालिटी का स्वेटर का हुआ किस तरीके से वितरण वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 महीने में ही तार तार हुआ है ये स्वेटर, तो सर्दी नहीं झेल सके हैं ये स्वेटर्स। 71.6 लाख के स्वेटर की हुई थी खरीदारी। संतोष सेल्फ एजेंसी से खरीदा गया था ये स्वेटर। 1,47,000 बच्चों में स्वेटर का हुआ था वितरण। शिक्षा विभाग में करोड़ों का स्वेटर घोटाला जो है वो सामने आया है। तो क्वालिटी के आधार पर अभी 75% भुगतान किया गया है फर्म का जी, और 25% का भुगतान इसी आधार पर शासन आदेश के अनुसार बाद में किया जाएगा जी, कि जो भी जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय टीमें आएंगी और टीमें चेक करेंगी हमारे जनपद पर रैंडम आधार पर स्वेटर की क्वालिटी है, स्वेटर की लंबाई चौड़ाई जो भी मानक थे जिस आधार पर जेम पोर्टल से टेंडर हुआ था उस मानक के अनुसार चेक करने के उपरांत ही 25% का भुगतान किया जाएगा, और जो भी कमियां होंगी तो उस 25% की धनराशि से कटौती की। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुमित गुप्ता जो है वो फोन लाइन पे बने हुए हैं। सुमित, क्या जो हम अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पे फोटोज दिखा रहे हैं बच्चों के, कि बच्चे जो स्वेटर पहने वो फटे हुए नजर आए, इसमें किसकी लापरवाही नजर आ रही है? किस क्वालिटी का आखिरकार स्वेटर इन स्कूलों पे बांटा गया है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये 2 महीने पहले ही स्वेटर बांटे गए थे सर्दी को लेकर, और अब जो स्वेटर जो बांटे गए थे करीब आपको बता दें कानपुर देहात में अगर 1600 प्राथमिक विद्यालय हैं और वहीं 674 विद्यालय हैं जूनियर के, जिनको लेकर जो है स्वेटर बांटे गए थे, जिनकी कीमत जो है बांटने के बाद जो हालात देख सकते हैं किस तरीके के हैं। 2 महीने भी स्वेटर नहीं चले और वो फट गए। यही कि अगर बात की जाए तो जैसे टेंडर मिला था वो संतोष नाम की एक जो है कंपनी है उसके द्वारा ये जो है स्वेटर बांटे गए थे। अब जो अधिकारी हैं वो जांच की बात करें, बड़ा सवाल है कि केवल जांच के बाद, क्योंकि ये 20 दिन पुराना मामला भी है जहां स्वेटर फटने लगे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी जिले का कोई भी बोलना नहीं चाह रहा है इस मामले को लेकर, केवल जांच की बात कह रहा है। जी जी बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।